नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना कांग्रेस की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई है। दिल्ली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए मुशावरत जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने कुछ देर कबल डीके शिव कुमार से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि दोनों ने चीफ मिनिस्टर और काबिना की तश्कील पर तबादला ख्याल किया है। शिव कुमार से मीटिंग के बाद बात करते हुए उत्तम कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर जिसके नाम का भी ऐलान किया जाएगा वो उनके लिए काबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। डी के शिव कुमार ने कहा कि हाईकमान चीफ मिनिस्टर और दीगर मसाइल पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि सीएलपी का फैसला सिर्फ हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि खरगे सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे की रिहायशगाह पर सीनियर लीडर के सी वेणुगोपाल और डी के शिव कुमार से मुलाकात की। फिलहाल चीफ मिनिस्टर के इंतखाब पर बात हो रही है और कुछ देर में वाजे हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। एआईसीसी के मुबस्सिरीन दोबारा हैदराबाद आएंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर और कौन डिप्टी सीएम होगा। जैसे तो तेलंगाना जिले जगतियाल मठपल्ली मंडल में एक बेकाबू डीसीएम वैन एक घर के बेडरूम में दाखिल हो गई। तफसीलात के मुताबिक डीसीएम वैन धान के लोड के साथ जा रही थी कि मौजे वेलवा में यू टर्न के पास गाड़ी बेकाबू होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई और बेडरूम में दाखिल हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता घर का सामान तबाह हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त बेडरूम में कोई मौजूद नहीं था। हादसे में डीसीएम वैन के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को हटाया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर तजस्सुस बरकरार है। इतवार को नतायज की जुराई के बाद यह इत्तला दी गई है कि चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान पीर को ही कर दिया जाएगा और उसी दिन हल्फबरदारी की तकरीब भी होगी, लेकिन गैर मुतवक्क तौर पर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज जिन्होंने सीएलपी की करारदाद को चीफ मिनिस्टर के इंतखाब की जिम्मेदारी हाईकमान को सौंप दी है, आज दिल्ली में एआईसीसी के सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग के बाद आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। उसी दौरान चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल सीनियर कायदीन भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली पहुंच गए हैं। भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार आज दोपहर दिल्ली में एआईसीसी के सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। ऐसा लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर और वज़रा कौंसिल के इंतखाब पर बात करेंगे। बताया जाता है कि तेलंगाना के अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर टीपीसीसी के सरबरा रेवंत रेड्डी का नाम तकरीबन तय पा गया है। बताया जाता है कि एमएलए की अक्सरियत ने सीएलपी मीटिंग में भी रेवंत रेड्डी की हिमायत की। ताहम भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी जो सीएम की दौड़ में हैं एआईसीसी के सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली गए। सीनियर लीडरों का अचानक दौरे दिल्ली कांग्रेस पार्टी में बहस का मौजू बन गया है और पूरी रियासत में तजस्सुस पाया जाता है कि तेलंगाना का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को जहर दे दिया है। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। वो 2008 में मुंबई में 26/11 के हमलों का साजिशी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान में वाक़ सेंट्रल जेल में जहर दिया गया, जिसके बाद वो सीएमएच बहावलपुर में जेर इलाज है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने उसे हवाई जहाज से लेकर अस्पताल ले आई है। इस मामले में पाकिस्तान की पुलिस इंतजामिया जेल में खाना पकाने वाले शख्स पर शकूक व शुबात कर रही है और इसके खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। वो एक खानगी बावर्ची है जिसे अक्टूबर 2023 में जेल में बहाल किया गया था, अब वो फरार हो गया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान में कई दहशतगर्दों को बेअसर करने की खबरें सामने आई हैं और उनमें नामालूम अफराद के नाम भी सामने आए हैं। अब कोई भी ये मालूम करने के काबिल नहीं है कि यह नामालूम कौन है। साजिद मीर इन दहशतगर्दों में से एक है जिसने 26/11 के हमलों की मनसूबाबंदी में बड़ा किरदार अदा किया था। उसे चंद रोज़ कबल लाहौर सेंट्रल जेल से मुंतकिल किया गया था। अमेरिका ने उसे इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में भी रखा है। साजिद मीर की उम्र 40 से 50 साल के दरमियान है। अमेरिका ने उस पर $5 मिलियन यानी 41.68 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। जून 2022 में उसे पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दी की माली मामलत के मुकाबले में सज़ा सुनाई थी।
मुल्क में हज 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.government.in से ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। हज पॉलिसी 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि हज 2024 के लिए जारी करदा फॉर्म पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ हाजियों को हर किस्म की सहूलियात के लिए मुल्क भर में 25 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। साल 2024 में हज का VIP कोटा ख़त्म कर दिया गया है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हज का सफ़र मुमकिन हद तक सस्ता रहे। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। भद्रादरी, कोत्तगुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और महबूबाबाद असला में पीर से मंगल की सुबह तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गरज चमक के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अजला, भोपालपल्ली, मुलगू, वरंगल और हनमकुंडा में गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की सुबह से चारशुंबे की सुबह तक मुलगू, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का ऐलान करते हुए कहा गया कि सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भारी बारिश होगी। करीमनगर, पैदापल्ली, नलगुंडा, जनगांव, यादरी, भुवनगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होगी। वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर, पैदापल्ली, नलगुंडा, जनगांव, यादरी, भुवनगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कई अजला में बताया गया है कि बारिश और ज़्यालाबारी होगी। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बिजली और तेज़ हवाएं चलेंगी। मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखते रहिए रियल बेस चैनल को, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।